अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यम्मी वीडियो लेकर आई हूँ। बारिश का इस मौसम में चाय के साथ कुछ मज़ेदार सी चीज़ें हों खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सी बेसन की नान खटाई। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैंने 4 खाने के चमचे भरकर साबुत चीनी भी ली थी, वो मैं यहाँ रखना भूल गई। 250 ग्राम मैंने यहाँ बेसन लिया था, 375 ग्राम पिसी चीनी है, 375 ग्राम घी है, आप असली घी भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, 2 अंडे की जर्दी हैं, 1 टीस्पून इलायची पाउडर है और 1/2 टीस्पून नमक है, और 220 ग्राम यहाँ पर मैदा मैंने लिया है। सबसे पहले एक बाउल में हम घी शामिल करेंगे। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतना सारा घी ज़ाया कर रही हूँ, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मैं अभी थोड़ी देर में इस बाउल को भी साफ़ कर लूँगी। 375 ग्राम घी में हम 375 ग्राम पिसी चीनी शामिल करेंगे, इलायची पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1/2 टीस्पून वो हम इसमें शामिल कर देंगे, वनीला एसेंस 1 टीस्पून ये भी हम इसमें शामिल करके अच्छी तरह से हम इसे बीट करेंगे। इसको इतना हमें बीट करना है, अच्छे से मिक्स करना है कि ये इस तरह क्रीम फॉर्म में आ जाए। आप यहाँ देख रहे हैं मैं किस तरह से इसे बीट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम बेसन और मैदा और जो 4 खाने के चमचे साबुत चीनी है उसे मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बीट करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करना है। उसके बाद आप ये देखेंगे इस तरह से तैयार हो जाएगा। अच्छे से यकजान कर लें सारी चीज़ें इसके अंदर। उसके बाद तसले में या स्लिप पे या किसी भी चीज़ में जिसमें आप इसको इस तरह से मसल सकते हैं, अच्छे से इसे दोनों हाथों से आप मसलेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, आटा तो खैर इस तरह से नहीं गूंथते, लेकिन इसको इसी तरह से मसलना है और एक डो की फॉर्म में इसको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको एक डो की फॉर्म में बना लिया है, और हाथ से हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे और इस तरह बिस्किट्स की शेप दे देंगे। आप और छोटे लीजिएगा क्योंकि ये बेक होने के बाद बड़ी हो जाती है, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो आप कोशिश करिएगा कि और छोटे बिस्किट्स बनाएँ। यहाँ जो ब्लैक वाली ट्रे है ये माइक्रोवेव की है, तो पहले मैं इसमें अंडे के ब्रश करके इसको माइक्रोवेव में रखूँगी। यहाँ पे 2 अंडे की जर्दी मैंने ली थी और इसमें 4 से 5 कतरे मैं इसके डाल दूँगी वनीला एसेंस के, और मिक्स करके अच्छे से हम इस पर ब्रश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और सबको बहुत पसंद आए। अब मैं इस ट्रे को माइक्रोवेव में रख दूँगी। माइक्रोवेव मैंने 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए प्री हीट किया था, और 180 डिग्री पर मैं इसे 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से कलर आ जाए ऊपर। आपको इसको चेक करते रहना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है वरना ये ऊपर से डार्क हो जाएंगी। और देखिए किस तरह अच्छी सी खस्ता सी ये बनकर तैयार हुई हैं। बहुत मज़े का टेस्ट था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बेकिंग ट्रे को हम बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत घी शामिल होता है, तो डायरेक्ट हम इसे ट्रे में रखकर बेक कर लेंगे। इस रेसिपी में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है कि अगर आपकी डो नहीं बन रही है तो आप पानी डाल दें, नहीं, पानी डालने से यह नहीं बनेंगी बिल्कुल भी। आपको इसमें पानी शामिल नहीं करना है, और बेक करने के बाद इसे आप गर्म गर्म भी नहीं निकालेंगे जब तक इसकी हीटिंग ख़त्म ना हो जाए, वरना ये टूट जाएंगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।